हेलो फ्रेंड्स मैं हूं रूपाली एंड वेलकम बैक टू रूपालीस किचन फ्रेंड्स आज आप लोगों के लिए लेकर आई हूं रसमलाई केक की रेसिपी तो वैसे तो बहुत सारे रसमलाई केक आपने देखे होंगे यूट्यूब पे लेकिन ये रसमलाई केक जो मैं बना रही हूं इसमें हमें रसमलाई की ज़रूरत ही नहीं है बाजार से लाने की जी हाँ फ्रेंड्स कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आप लोगों के साथ इसमें शेयर करूंगी जिसमें आपको बाज़ार से रसमलाई लाने की या रसमलाई बनाने की ज़रूरत नहीं है और ये जो केक है हमारा रसमलाई केक ज़रूर है लेकिन ये रसमलाई ट्रस्लेचेस केक भी है साथ में तो मैंने कुछ ऐसी रेसिपीज़ आप लोगों के साथ में शेयर करी तो नाम तो इसका है तो ये बिल्कुल देसी लेकिन इसे हम विदेशी केक के स्टाइल में हम इसे प्रेजेंट करेंगे तो वीडियो को वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा तो चलिए रेसिपी को शुरू करते हैं तो यहाँ पे मैंने लिया है सबसे पहले मिल्क तो घर में जो मिल्क होता है वो मैंने करीब दो कप के करीब मैंने मिल्क ले लिया था और अब मैंने उसमें डाला है थोड़ा सा इलायची विद छिलके ही डाल दिया था मैंने और थोड़ा सा डाला इसमें रोज वाटर तो रोज वाटर अपने घर में रहता ही अधिकतर है ना तो पूजा पाठ वगैरह में, में जो लगता है वही वाला है तो यहाँ पे मैंने लिया है वन फोर्थ कप के करीब कंडेंस मिल्क गाइस अगर आपके पास में कन्डेंसड मिल्क नहीं है तो डोंट वरी आप इसमें मिल्क पाउडर और थोड़ी सी वन फोर्थ कप के करीब चीनी डाल सकते हैं और थोड़े से मैंने काजू बादाम डाल दिए थे और मेरे पास में थोड़ा सा केसर रखा हुआ था तो वो मैंने डाल दिया था इसमें बस हमें थोड़ा सा उबाल लेना है और इसे ढक के रख देना है तो अब यहाँ पे हमारी तैयारी शुरू हो जाती है केक बनाने की तो यहाँ पे मैंने लिया है वन कप केक वन कप केक के, बोलियो सॉरी वन कप दही लिया है उसे अच्छे से फेंट लेंगे ताकि उसमें कोई लम्पस ना रह जाए और आधा कप के करीब आधा कप से थोड़ा सा ज़्यादा मैंने इसमें शक्ल ली क्योंकि मेरे घर में सबको मीठा पसंद है तो उसको भी इसमें मिक्स कर लेंगे और अब मैंने यहाँ पर डाला है वन फोर्थ के करीब ऑयल इसमें तो ऑयल शक्कर और दही को हम अच्छे से आपस में मिक्स कर लेंगे कुछ भी अलग अलग नहीं लेना चाहिए एक अच्छा सा स्मूथ सा बैटर बन जाएगा तो यहाँ पे हमारा बैटर तैयार है तो यहाँ पे अब मैं डाल रही हूँ रोज़ एसेंस रोज एसेंस की जगह आपके पास में अगर रोज़ वाटर है तो एज यूजल आप डाबर वाला जो रोज रोज़ वाटर आता है वो डाल सकते हैं फिर मैंने डाला इसमें थोड़ा सा कार्डिमम एसेंस अगर वो भी नहीं है आपके पास में तो आप इलायची पाउडर डाल सकते हैं और थोड़ा सा मैंने डाला उसमें वनीला एसेंस और अब हम लेते हैं अपने ड्राई इंग्रेडिएंट्स उसके लिए मैंने लिया एक कप मैदा और इसमें डाल दिया है एक चम्मच बेकिंग पाउडर और आधा चम्मच के करीब बेकिंग सोडा अब इन सबको अच्छे से छान लेंगे ताकि कोई गुटली वुटली कुछ कचरा वचरा हो तो वो निकल जाए और इन सबको मिक्स करके एक स्मूथ सा बैटर हम तैयार कर लेंगे तो यहाँ पे हमारा बैटर जो है वो बिल्कुल तैयार हो गया है बनके आप देख सकते हैं इसमें कोई लम्स नहीं है तो यहाँ पर मैंने एक केक टिन लिया है छः इंच का केक टिन है मेरा जिसे मैंने ग्रीस कर लिया है मैंने चौकोर वाला लिया था तो इसमें अब हम अपने बैटर को अच्छे से डाल देंगे और मैं जो है अपने केक को है भगोने में बेक करती हूँ तो आप चाहो तो माइक्रोवेव में 180 डिग्री पर तीस से पैंतीस मिनट के लिए बेक कर सकते हैं तो यहाँ पे भी मुझे कम से कम इसको बेक करने में तीस मिनट लग गए थे तो यहाँ पे मेरा जो है केक बनके तैयार हो गया मैंने इसे ठंडा कर लिया था और मैं इसे दो ही लेयर में कट कर रही हूँ आप चाहो तो इसे तीन लेयर में भी कट कर सकते हो पर मैंने यहाँ पे केवल दो ही के... आ, लेयर्स में कट किया तो अब यहाँ पे मैंने लिया है आधा कप के करीब क्रीम लिया हुआ है मैंने और इसको अब हम बीट कर लेंगे तो विप्ड क्रीम लिया है मैंने इसमें मैंने थोड़ा सा जो है येलो कलर डाल दिया था और वही अपने जो एसेंस जो मैंने बैटर में यूज़ किए थे वही सारे बैटर वो क्रीम मैंने एसेंस सॉरी मैंने इसमें डाल दिए हैं रोज वाले कार्डिमम वाले और उसकी जगह एज यूज मैंने आपको बता ही दिया है आप कार्डिमम पाउडर और रोज़ वाटर को यूज़ कर सकते हैं तो यहाँ पर हमारा क्रीम जो है वो विपड होकर तैयार हो गया है तो सबसे पहले जो स्टार्टिंग में हमने मिल्क बनाया था ना अब उसका काम यहाँ पर आ जाता है तो हम क्या करेंगे अपनी केक को जो है इसी से मॉइस uh, कर लेंगे तो हमारा केक जो है ना एकदम सॉफ्ट बनेगा तो देख लिया ना आपको रसमलाई मलाई मिलाने की ज़रूरत ही नहीं है और दूध को उबालना करना ये सब की कभी जरूरत नहीं है बस थोड़ा सा ये सब एसेंस डाल देंगे और एसेंस भी नहीं तो उसके ऑप्शन भी मैंने आपको बता दिया है वो सब डाल के हमारा मिल्क जो है बिल्कुल रसमलाई फ़्लेवर का गारंटी लेती हूँ मैं गाइज आपसे आपको कि ये बिल्कुल रस मलाई फ़्लेवर का ही बनेगा तो अब हमने सेकंड लेयर रख दिया है इसको भी अच्छे से मॉइस कर लेंगे और इसके ऊपर इसी तरीके से क्रीम लगा लेंगे तो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा सा मेरे पास में ज्यादा क्रीम नहीं था तो मेरे को और मुझे ज्यादा क्रीम चाहिए भी नहीं था इसमें है ना एक पतली पतली लेयर हमने इसमें लगा दी है इसको अच्छे से चारों तरफ से फैला देंगे तो गाइज अगर आपको वीडियो अभी तक थोड़ी सी भी पसंद आई हो ना तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन पे जरूर हिट कर दीजिएगा ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्दी पहुंच सके तो अब जो है मैं क्या कर रही हूँ थोड़ी छोटी छोटी से रोजेट बना रही हूँ ऊपर की तरफ तो यहाँ पे मेरा जो और नीचे भी इसकी बॉर्डर इसी से मेरे को आप देख सकते हैं क्रीम थोड़ा सा ही बचा था तो मैंने इसमें जो है एक डिज़ाइन बना दिया है नीचे की तरफ और ये जो है ना मैंने क्रीम ज्यादा यूज नहीं किया है क्योंकि अभी हम मिल्क अभी जो आपको मैं लास्ट में प्रेजेंट करूँगी तो आप समझ जाएंगे कि इसमें क्रीम की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है और रस मलाई का जो है ना आपको पूरा पूरा फ्लेवर आएगा इस बात की मैं आपको गारंटी देती हूँ तो मेरे घर में थोड़ा सा फूल लगे हुए थे तो उन फूलों से मैंने यहाँ पर ऊपर एक और फूल बना दिया <laughs> थोड़ा सा प्रेजेंट करने के लिए और थोड़ा सा जो काजू बादाम और पिस्ता रखा था रसमलाई केक में अच्छा लगता है ये सब डालना तो मैंने ये डाल दिया और थोड़ी सी पत्तियाँ जो थी वो किनारे पर भी मैंने ऐसे लगा दी है बहुत ज़्यादा इसको डेकोरेट नहीं किया है क्योंकि ये तो सिर्फ खाने के पर्पज से बनाया था बिना रस मलाई के रसमलाई केक तो यहाँ पे हमारा केक तो जो है बनके तैयार हो चुका है अब हमें बनाना है इसका ड्रेसलेस केक तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने इसको कट कर लिया था इसको बड़े धीमे धीमे से कटी तो यहाँ पे कट करने के बाद में जो है अब बारी आती है मैंने एक बाउल लिया है और उस बाउल के अंदर हमने क्या किया है केक का एक पीस कट कर लिया है और उसको इसके अंदर रख देंगे कितना स्लो कर रही हूँ मैं मैं अभी देखा तो मुझे लगा चलो अब तो वॉइस ओवर हो गया कुछ नहीं कर सकते और ये जो मिल्क है हमने बनाया था अपना रस मलाई का जो रस बनाया था इसको हम इसमें डाल देंगे और थोड़े से काजू बादाम और रोज पेटल से ये सब के हाथ बीच बीच में मारे एक मक्खी भी आ गई बीच में सॉरी हटा दिया मैंने उसको तो यहाँ पे हमारा बन गया है रसमलाई ट्रसलेचेस केक अभी तक हमारा रसमलाई केक था अब यहाँ पे बन गया है रसमलाई ट्रस्ट लेचेस केक आई होप आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई होगी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू तो माई चैनल मिलती हूँ अगली वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय